आई यू वी दे ही शी इट और एनी नाउन दीज ऑल आर सब्जेक्ट्स। कौन सा सब्जेक्ट कहाँ लगेगा आइए देखते हैं। पहले हम सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, सेकेंड पर्सन जिससे बात की जा रही हो, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही हो। आई यू वी दे ही शी इट और एनी नाउन दीज ऑल आर सब्जेक्ट्स। आई एंड वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही शी इट दे और एनी नाउन थर्ड पर्सन। अब हम चलते हैं मजीद डिविजन्स की तरफ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई मैं यानी के एक शख्स। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी हम यानी के एक से ज्यादा। सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू, और सेकेंड पर्सन प्लूरल भी होगा यू, लेकिन क्यों? एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, लेकिन अगर यहाँ दो या दो से ज्यादा लोग मौजूद हों, तब मैं ये सवाल किस तरह पूछूंगा? एग्जैक्टली तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो। सो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट? नहीं ना, इसीलिए यू को प्लूरल और सिंगुलर दोनों में यूज कर सकते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में शामिल है ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर नाउन। ही बात किसी लड़के के बारे में हो रही है, शी बात किसी लड़की के बारे में हो रही है, और इट हम यूज करेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट एनीथिंग। अब आते हैं सिंगुलर नाउन की तरफ। किसी भी शख्स, चीज, जगह या जानवर का नाम, लेकिन वो सिंगुलर हो, जैसे कि अली, कराची, फ्लावर एसेट्रा। थर्ड पर्सन प्लूरल्स में शामिल हैं दे एंड प्लूरल नाउन्स। दे वो कौन, सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात करने पर दे यूज करते हैं। नाउ प्लूरल नाउन्स, अगर हम सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा लोगों, चीजों, जगहों या जानवरों के नाम का जिक्र करें, तो वो प्लूरल नाउन्स में शामिल किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कराची एंड लाहौर, अली एंड सारा, डॉग्स, कैट्स, फ्लावर्स एटसेट्रा। अब कौन सा सब्जेक्ट किस हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।